नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारी ए की मात्रा की थी, राइट? ऐ की मात्रा, ओके। आज हम लोग ओ की मात्रा शुरू करेंगे। तो ओ की मात्रा आज हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे। मैंने पीपीटी थ्रू एक वीडियो बनाया है, उसमें हम लोग वो देखेंगे, राइट? नाउ आज हम लोग ओ की मात्रा करेंगे। सेशन हमारा वन है, हमारा पहला सेशन। देखो, सबसे पहले तो हम लोग ओ की मात्रा होती है जो, ओके, उसकी जो निशानी होती है उसको देख लेते हैं, डन। फिर हम हमारा लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। तो ओ की मात्रा निशानी यू होती है, डन। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है कि अ आ ई ई सबकी मात्रा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, डन। कि अ की मात्रा कैसे होती है? अ की कोई मात्रा होती नहीं है, ओके। अ में कोई मात्रा लगती नहीं, यानी कि बिना मात्रा वाला शब्द, यानी कि अ वाला, हर एक व्यंजन के साथ अ जुड़ा हुआ होता है। दैट मींस कि हर एक स्वर जुड़ा हुआ होता है। फिर होती है आ की मात्रा। क्या होगा आ की मात्रा में? क्या क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन होती है। क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन, डन। फिर आता है अ आ, फिर उसके बाद क्या आता है? ई। तो ई की मात्रा क्या होती है? इस तरह, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है? ई, बड़ी ई, यानी कि इस तरफ मात्रा। फिर उसके बाद कौन सी मात्रा आती है? आ ई ई ऊ। उसके बाद क्या आता है? ऊ। फिर उसके बाद ऊ, यानी कि बड़ा ऊ। तो उसकी मात्रा यू आती है। अ में कोई मात्रा नहीं, आ में स्टैंडिंग लाइन, ई यानी कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। और फिर आता है रू। रू की मात्रा ऐसे होती है, यहाँ पर शब्द और नीचे ऐसी मात्रा। फिर अ आ ई ई उ रू। और रू के बाद क्या आता है? ए। तो ए की मात्रा ऐसे होती है, ऊपर ए। और फिर उसके बाद क्या आता है? आई। क्या आता है? आई। अब ए के ऊपर एक मात्रा, तो हमें यहाँ पर दो मात्रा करनी है, आई, ओके। अ आ ई ई ऊ रू ए आई। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ओ। तो ओ की तो मात्रा दी है हमें, एक स्टैंडिंग लाइन और एक ऊपर एक मात्रा, तो हो गया आ, डन। तो ये हो गई हमारी मात्रा, हमने देख ली। तो अभी हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे? तो हमारा लेसन है, उसमें सबसे पहले क्या होता है? को खो, वो तो हम देखेंगे। अभी हम लोग एक बार ये मात्रा के शब्द देख लेते हैं, हाँ, कि मात्रा के शब्द में कैसे लिखते हैं हम, हमारे व्यंजन में मात्रा कैसे लगाते हैं। अगर हम लोग क में मात्रा लगाएंगे, पहले क, फिर का, फिर की, कु, ओके, कु बड़ा कु, फिर क्रू, के, कई, और आज सीखेंगे को, राइट? तो ये हमारी बारह खड़ी भी बनेगी, ओके। क का, की कू कु क्रू के कई को, ओके। वैसे ही ख खा की कू कु क्रू के खई क्रू, ओके। वैसे ही हम लोग पूरे वर्णमाला की ऐसे बारह खड़ी या दस खड़ी हम लिख सकते हैं, ओके। तो अभी हम लोग हमारी ओ की मात्रा का हमारा चैप्टर है पाठमाला में पेज नंबर 42 वो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, मैंने इस बार इसका एक छोटा सा पीपीटी थ्रू वाला वीडियो बनाया है, तो चलो अभी हम लोग वो देखते हैं। हिंदी स्टैंडर्ड सेकंड, आज हम लोग है ना, हमारा लेसन है ना,
ओ की मात्रा वाला, कौन सा? ओ की मात्रा वाला, यानी कि हमारी पाठ पाठमाला होती है ना, वो हम लोग कुछ अलग तरीके से करेंगे, राइट। हमारी ओ की जो पाठमाला है वो आज हम लोग अलग तरीके से करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो ओ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, हमारा पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पर सबसे पहले हमें को, चो, टो, तो, पो और सो ऐसे शब्द देखे हैं। हमने हमारी मात्रा भी आगे मैंने आप लोगों को बोर्ड में करवाई कि ये जो ओ की मात्रा होती है उसकी निशानी कौन सी है, कहाँ पर ऊपर एक मात्रा लगती है, एक बाजू में एक मात्रा लगती है, राइट। तो ओ से कौन कौन से शब्द बनते हैं अभी हम वो भी देखेंगे, ओके। तो ओ से पहले हमारी पूरी वर्णमाला कि क, ख, ग, उन सब के साथ ओ लगाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे कि बोर्ड में हमने एक दो देखे थे, राइट। तो हम सबके साथ ओ लगाएंगे तो क्या बनेगा, को, खो, गो, घो, चो, छो, झो, झो, टो, ठो, डो, ढो, णो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, शो, शो, सो, हो, क्षो, त्रो, ग्नो और स्रो। ये हमारी पूरी वर्णमाला, ये आप लोगों को बोलनी है, राइट। क्योंकि अगर हम बोलना सीखेंगे तो ही हम लिखना सीखेंगे। तो क के ऊपर एक मात्रा, एक बाजू में मात्रा को बनेगा, ख के ऊपर एक मात्रा, एक बाजू में मात्रा खो बनेगा, राइट। उसी तरीके से ये हमारी वर्कशीट का ही पेज है, तो वर्कशीट में भी हम लोग हमारी पूरी वर्णमाला लिखेंगे, बट हम उसके साथ साथ बोलते जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, बोलते जाएंगे, अगर बोलेंगे तो ही हमें आ सकता है, राइट। फिर देखो हमारी पेज नंबर 42 पर हमें क्या दिया है, हमें पिक्चर्स दिए हैं और प्लस करके हमें शब्द दिए हैं, तो उन शब्द को हमें रीड करना है। तो हमें देखते के तो पता ही चल जाता है कि एक मोर का चित्र है, किसका चित्र है, मोर का। तो देखो मोर कैसे लिखते हैं, मो प्लस र इज इक्वल मोर, क्या बनेगा, मो प्लस र इज इक्वल मोर। अगर मैं अभी आपको ओ की मात्रा आ गई है, अगर मैं आपको बोलूंगी कि चलो मोर लिखो, तो आपको आ जाएगा ना कि मो प्लस र क्या बनेगा, मोर, राइट। मोर लिखना आ जाएगा क्योंकि हमें ओ की मात्रा आ गई है, डन। तो ये मोर का चित्र देख के अब हम उसको लिखना भी सीख जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद किसका चित्र दिखाई दे रहा है, यस ढोलक का, किसका चित्र है, ढोलक का। तो ढोलक के चित्र में क्या करते हैं, देखो यहाँ ये तो हमें पता चल गया है देख के कि ये एक ढोलक का चित्र है। फिर हम उसमें क्या करेंगे, देखो हमें इसमें क्या दिया है, ढो प्लस ल प्लस क, ढो प्लस ल प्लस क, तो क्या बना, ढोलक। देखो ये आपको ओ की मात्रा आ गई है, तो इसको पहले देख के बोलना है हमें, क्या दिया है हमें, ढोलक। देख के तो हम समझ गए थे कि ये ढोलक है, ये मोर है, तो हमें अभी तो लिखना भी आ गया क्योंकि हमें ढ के ऊपर एक मात्रा, एक बाजू में मात्रा, तो बन जाएगा ढो, और ल और क में तो कोई मात्रा है नहीं, ढोलक। तो मोर, ढोलक, डन। फिर उसके बाद किसका चित्र दिया है हमें, यस एक टोकरी है, क्या है, एक टोकरी का चित्र। तो टोकरी कैसे लिखते हैं, तो देखो टो हमें क्या करना है, धीरे धीरे बोलना है और फिर लिखना है, क्योंकि अभी हमें ओ की, ई की, ए की बहुत सारी मात्रा हमने लर्न कर ली है, राइट। टो क री,
टोकरी। देखो री थोड़ा सा उसको हम लंबाएंगे तो उसमें कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई वाली, दैट मीन्स की दीर्घ ई आएगी। क्या आएगी, दीर्घ ई। टो प्लस क प्लस री इज इक्वल क्या बनेगा, टोकरी। क्या बनेगा, टोकरी। ओके मोर ढोलक टोकरी, फिर उसके बाद क्या है, यस सबका फेवरेट घोड़ा। क्या है, घोड़ा। घोड़ा हमको देख के तो हम पहचान गए कि ये घोड़ा है। अभी हम लिखना सीखेंगे, घो प्लस डा इज इक्वल घोड़ा। तो ड के नीचे जो डॉट दिया है उसको क्या कहते हैं, नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता, यानी कि उस शब्द पर थोड़ा सा वजन दिया जाता है। घोड़ा, क्या किया था, घोड़ा, राइट। तो घो प्लस डा इज इक्वल घोड़ा। फिर उसके बाद हमने शब्द तो देख लिए, चित्र देख के हमें ओ वाले शब्द तो रीड करना और लिखना भी आ गया, डन। फिर उसके बाद क्या है कि अब पढ़ो, हमें चार लाइन दी है शब्दों की, राइट। तो उन शब्दों को हमें पहले पढ़ना है और फिर हमें सी डब्ल्यू में लिखना है, ओके। तो चलो सबसे पहली दो लाइन पढ़ते हैं हम। पहली दो लाइन में क्या है, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ बोलना है, ओके। बोल, देखो बोलो, दो दो बार बोलेंगे हम लोग, बोल। कोट, कोट। लोग, लोग। गोल, गोल। धोबी, धोबी। धोबी क्या करता है, कपड़े धोता है, कपड़े प्रेस करता है, राइट। होली, होली क्या है, रंगों का त्योहार। रोटी, मोती, ओके। ये पहली दो लाइन थी, बोल, कोट, लोग, धोबी, सॉरी लोग, फिर गोल, धोबी, होली, रोटी, मोती। फिर उसके बाद वाली दो लाइन, मोटर। धीरे धीरे रीड करने की कोशिश करो, मोटर। कोयल, कोयल। फिर उसके बाद क्या है, समोसा। समोसा अच्छा लगता है ना खाना, समोसा। फिर उसके बाद क्या है, लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, राइट। मोटर, कोयल, समोसा, लोमड़ी। फिर उसके बाद लास्ट लाइन में क्या है, दोपहर। दोपहर, दोपहर को हम लोग सो जाते हैं, दोपहर। अखरोट, अखरोट एक ड्राई फ्रूट है। खरगोश, सोमवार, राइट। दोपहर, अखरोट, खरगोश, सोमवार, ओके। तभी चारों के चारों लाइन हम साथ में पढ़ते हैं, बोल, कोट, लोग, गोल, धोबी, होली, रोटी, मोती, मोटर, कोयल, समोसा, लोमड़ी, दोपहर, अखरोट, खरगोश, सोमवार, ओके। तो ये शब्द है वो हमें क्या करना है, इन शब्दों को हमें बार बार रीड करना है और हमें हमारी सी डब्ल्यू में भी लिखना है, यस ना, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट हमारे हमारा चैप्टर। आज है होली, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग चैप्टर रीड करते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। बट अभी आप लोग बड़े हो गए हैं तो देखो यहाँ पर हमें ये जो चैप्टर दिया है ना, आज है होली, तो उसमें क्या दिया है कि उसमें नीचे देखो येल्लो एक बॉक्स दिया है, दिखाई दे रहा है सबको। तो उस येल्लो बॉक्स में क्या दिया है कि हमें शब्दों के अर्थ दिए हैं, यानी कि हमें जो शब्द है ना उसमें वो थोड़े से उसके अर्थ हमें देखने हैं, क्योंकि शब्द के अर्थ हमें पता होगा ना तो हम लोग उसके वाक्य के आंसर आराम से दे सकते हैं, राइट।
तो सबसे पहले हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि जो जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, देखो हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, हार्ड वर्ड्स होते हैं उसको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही हिंदी में भी ऐसे वर्ड होते हैं उसके अर्थ हमें समझने होते हैं, जिसकी वजह से वो वाक्य हमें समझ में आ जाए। ओके, तो आज है होली, उसके पहले हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। शब्द अर्थ यानी कि शब्दों के अर्थ। सबसे पहले क्या है, मस्त। क्या है, मस्त। मस्त यानी कि बेपरवाह, एकदम जो बेपरवाह होता है, एकदम मस्त अपने माहौल में ही रहता है, उसको और कुछ लेना देना नहीं होता, उसको कहते हैं बेपरवाह। फिर उसके बाद है डोली। डोली यानी कि डोलना, हिलना, राइट, हिलना डुलना। ओके, तो डोली। फिर उसके बाद है भोर। भोर यानी कि सुबह, भोर का समय हुआ यानी कि सुबह, क्या होगा, सुबह। फिर उसके बाद क्या है, टोली। टोली यानी कि झुंड। ओके, समूह में जो होता है उसको कहते हैं टोली, हाथियों की टोली यानी कि झुंड। फिर है शोर। शोर यानी कि हल्ला करना, शोर यानी कि हल्ला करना। मस्त यानी कि बेपरवाह, डोली यानी कि डोलना हिलना, भोर यानी कि सुबह, टोली यानी कि झुंड, और शोर यानी कि हल्ला करना, राइट। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। ओके, तो शब्दार्थ के बाद हम लोग हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या करना होता है कि मैं पूरा चैप्टर रीड करूँगी और आपको भी मेरे साथ साथ रीड करना है और पूरा ये चैप्टर समझना है। हमारा चैप्टर का नेम क्या है, होली है। क्या है, होली। तो आज है होली, आज है होली, रंगों की, सबसे पहली लाइन क्या है, होली है, होली है, होली है, होली है, रंगों की होली है। क्या है, होली है, होली है, रंगों की होली है। होली किसकी होती है, रंगों की, राइट। होली में हम लोग रंगों से खेलते हैं ना। ओके, तो यहाँ पर देखो सभी है ना जंगल में होली खेल रहे हैं, ऐसी बात है, बहुत मजा आएगा। होली है होली, रंगों की होली, जंगल में खेल रही मस्तों की टोली, जंगल में खेल रही मस्तों नहीं पर मस्ती की टोली। मस्त यानी कि एकदम सभी अपने जंगल में, सभी अपनी मस्ती में, अपनी टोलियों में यानी कि अपने झुंड में सभी होली खेल रहे हैं। होली है होली, रंगों की होली, जंगल में खेल रही मस्ती की टोली। जंगल में सभी अपनी टोलियों के साथ, अपनी झुंड के साथ सभी होली खेल रहे हैं। होली है होली, होली है होली, राइट, ऐसे गाना गाते हैं ना, होली है होली। खरगोश बजा रहा है ढोल, खरगोश क्या बजा रहा है, ढोल। खरगोश बजा रहा है ढोल, खरगोश बजा रहा है ढोल। घोड़ा देखो करता शोर, घोड़ा देखो करता शोर। घोड़ा अपनी आवाज निकालता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, शोर कर रहा है। पहले से रीड करते हैं हम लोग, होली है होली, रंगों की होली, जंगल में खेल रही मस्तों की टोली। होली है होली, होली है होली, खरगोश बजा रहा है ढोल, घोड़ा देखो करता शोर। खरगोश बजा रहा है ढोल, खरगोश ढम ढम ढोल बजा रहा है, और घोड़ा देखो करता शोर यानी कि वो कुछ गाना गा रहा है, राइट। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो हम तो कहते हैं कि शोर कर रहा है। तोता बोला वाह वाह मोर, तोता बोला वाह वाह मोर। जब भी कोई शोर होता है तो जैसे कि मोर तो नाचता है, तो उसको बोल के, उसको देख के तोता क्या बोलता है, वाह वाह मोर। क्या बोलता है, वाह वाह मोर। खरगोश बजा रहा है ढोल, घोड़ा देखो करता शोर। नाच रहा वाली लाइन कट गई। खरगोश बजा रहा है ढोल, घोड़ा देखो करता शोर। नाच रहा तिरक कर मोर, नाच रहा तिरक कर मोर। तोता बोला वाह वाह मोर, राइट।
मोर है वो नाच रहा है, कैसे थिरक कर। जब मोर नाचता है ना तो उसको कहते हैं थिरक कर। खरगोश बजा रहा है ढोल, घोड़ा देखो करता शोर, नाच रहा थिरक कर मोर, तोता बोला वाह वाह मोर। कोयल कुह कुह कर बोली, कोयल कैसे बोलती है, कुह कुह कर। कोयल कुह कुह कर बोली, लोमड़ी भी नाची डोली। लोमड़ी होती है ना वो भी नाचती डोलती है, क्योंकि होली है, क्या है, होली है। तो मोर भी नाच रहा है, तोता उसकी वाह वाह कर रहा है, खरगोश भी ढोल बजा रहा है, घोड़ा शोर कर रहा है, और कोयल भी कुह कुह कर रही है, और लोमड़ी भी नाची डोली यानी कि लोमड़ी भी नाच रही है। आज है होली, आज है होली, जंगल में खेल रही मस्तों की टोली, जंगल में खेल रही मस्तों की टोली। तो सबसे सारी बातें हम देख लेते हैं एक बार। खरगोश ढोल बजा रहा है, घोड़ा शोर कर रहा है, मोर नाच रहा है और उसको देख के तोता वाह वाह कर रहा है, और कोयल कुह कुह कर बोल रही है, लोमड़ी भी नाचती डोलती है, और क्योंकि आज क्या है, होली है, और जंगल में सभी मस्ती में खेल रहे हैं, राइट। तो पूरी एक बार हम लोग रीड कर ले लाइन में। होली है होली, रंगों की होली, जंगल में खेल रही मस्तों की टोली। होली है होली, खरगोश बजा रहा है ढोल, घोड़ा देखो करता शोर, नाच रहा थिरक कर मोर, तोता बोला वाह वाह मोर, कोयल कुह कुह कर बोली, लोमड़ भी नाची डोली। आज है होली, आज है होली, जंगल में खेल रही मस्तों की टोली, आज है होली, राइट। ये हमारा चैप्टर था आज है होली, राइट। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने हमारे शब्दार्थ भी देखे ना, तो ये शब्दार्थ हमें कहाँ पर लिखने होते हैं, हमारी CW में, राइट। तो ये सारे के सारे शब्दार्थ हम लोग CW में लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग रीड करेंगे, फिर को खो गो वो सारी वर्णमाला है वो भी हम CW में लिखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा ये जो हमारी वर्कबुक होती है ना वो करेंगे, ओके। तो थैंक यू। तो देखा बच्चों वीडियो आपने, राइट। हमने चैप्टर देखा आज है होली, राइट। फिर हमने शब्दार्थ देखे, उन शब्दों को हमें कहाँ पर लिखना है, हमारी CW में, राइट। को खो गो घो ऐसे सारे जो शब्द है हमें उन्हें भी CW में लिखना है, यानी कि हमारी पूरी वर्णमाला को हमें CW में लिखना है, और साथ ही साथ हमें हमारा ये जो शब्द है बोलकर फोटो वाले शब्द थे ना वो शब्द है वो अभी हमें CW में लिखने हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी ये जो पाठमाला है ना उसका जो अभ्यास है पेज नंबर 44 पर वो करेंगे, ओके। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारा चैप्टर ओ का, मात्रा ओ का पाठमाला का अभ्यास करेंगे और अभ्यास पुस्तिका करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।